पूरे गांव को मालूम है कि तुम्हारा और गुलिस्तान के बेटे का झगड़ा हुआ था, लेकिन ये सिर्फ तुम्हें और मुझे मालूम है कि झगड़ा किस वजह से हुआ था। मेरी बात मानो। चुपचाप पट्टी करो, मुझे पट्टियां मत पढ़ाओ। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। तुमने जो करना था वो तुम कर आयो, अब मुझे भी कुछ करने का मौका दो। मेरी बात मानो, इससे तुम्हारी इज्जत भी बच जाएगी और हम सबकी जाने भी। कौन सी बात? तुम सबको ये बताओ कि गुलिस्तान का बेटा तुमसे उस झगड़े का बदला लेने आया था जिसमें तुम जख्मी हुए और उसकी जान चली गई। गांव वाले नन्हे बच्चे हैं जो मेरे झूठ पे ईमान ले आएंगे। एतमाद से बोलोगे तो शैतान भी तुम पर ईमान ले आएगा। ये तो बेचारे इंसान हैं। तुम मुझे बेगैरती का सबक पढ़ा रही हो। गैरत में कत्ल होने से बेहतर है कि बेगैरत होके कई जाने बचा जाओ, वरना बहुत सारे बेगैरत बैठे हैं गैरतमंद की जायदाद, खेत, मकान पे कब्जा करने के लिए और आपस में बांटने के लिए। तुम्हारे पास तुम्हारी ये जायदाद तुम्हारे चचा साथ भाइयों को ही जाएगी ना। क्यों ना तुम इस जायदाद में से थोड़ा सा हिस्सा गुलिस्तान खान को दे दो और अपनी जान हमेशा के लिए छुड़वा लो। गुलिस्तान खान ले लेगा? सूद खोर कारोबारी इंसान है, बेटे के बदले जमीन मिलेगी और यही फैसला जिरकी के जरियों से मिलेगा तो उसका बाप भी चुप करके मानेगा। और शीरी? तुम उसकी फिक्र मत करो, उसकी कहीं अच्छी जगह पे शादी करा देंगे। लेकिन ये बात याद रखना कि मरने वाले का शीरी से कोई ताल्लुक था, अगर ये बात लोगों को पता चल गई तो सारी उम्र कुंवारी घर में बैठी रहेगी। मैं उसे बिठाना नहीं, कब्र में लिटाना चाहता हूँ। जब गांव वालों को पता चलेगा कि मैंने इज्जत की खातिर उसका कत्ल कर दिया तो किसी का बाप भी मुझे कुछ नहीं कह सकेगा। वाह वाह वाह। अगर तुमने शीरी को मारना होता तो गुलिस्तान के बेटे को मारने से पहले ही तुम शीरी को कत्ल कर देते। ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो और मैं भी कि तुम शीरी से बहुत प्यार करते हो और उसे कुछ नहीं कर सकते। तुम उसे नहीं मार सकते और मैं तुम्हें खुद को और अपनी औलाद को कत्ल होते हुए नहीं देख सकती। कौर ने बदला लेने के लिए तुम पर हमला किया जिसमें तुम जख्मी हुए और उसकी जान चली गई और बस।